नमस्कार। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, बट यू नीड टू प्रॉमिस मी दैट दीज थिंग्स आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट टेक ऑल दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड in a point when the future comes, because सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी चीज़ है आप सभी लोगों के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है, ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट इससे क्या होता है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी मैं बात करूँगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सो या आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज कुंडलिनी, what is third eye, so the most important thing is that you guys should know, aap sabhi logo ko pata hona chahiye ki aap kaun hain और आपका जो एग्जिस्टेंस है उसका मतलब क्या है इस ब्रह्मांड से और चेतना में, या आप में क्या समानता है, ये पहले जानना ज़रूरी है। मैं को जानना ज़रूरी है, मैं से मुक्त होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है आपके लिए। जीवन की जो समस्याएं हैं वो ऐसे कंटेंट को सुन के नहीं सही होंगी, जो जीवन की समस्याएं हैं वो उसको समझ के जो सबसे बड़ा है, जो इस दुनिया का अधिष्ठान है, विश्व साक्षी है, उसको सुन के होंगी, उसको समझ के होंगी। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप उसी राह पे चलें और पहले वो समझें, और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके अंदर अपने आप ये प्रश्न उठेगा कि ये जो मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इसका साइंस क्या है। कई लोगों का वो भी नहीं उठता, तो मैं ऐसे योगियों को मूर्ख योगी बोलता हूं, तो बट मैं भी उनकी बात नहीं करूंगा। ये प्रश्न उठेगा कि मैं, मेरे साथ मेरे शरीर में क्या जो अनुभव हो रहे हैं उसका विज्ञान क्या है, उसका क्या कोई वैज्ञानिक तात्पर्य है कि या नहीं है। क्योंकि ध्यान में ज़्यादा बैठने से एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बात तो सही है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस, कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी में हीट होना, दोनों हाथों के बीच में चुंबकीय शक्ति का महसूस होना, स्ट्रेच क्रेव होना, मन करता है मसल को स्ट्रेच करें, और भी चीज़ें होना जिसके बारे में मैं अभी विस्तार से बात करूँगा। तो चलिए चालू करते हैं। आज से 6 साल पहले मैंने जब ध्यान करना चालू किया था
तो मैं एक मेरी फ्रेंड थी, काफी पसंद थी मुझे, उससे बात करता था। जब पहली बार मैंने हॉस्टल में बेसिक मेडिटेशन सेशन देखने के बाद, ये उस समय हॉस्टल में था, आई वॉज इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आई गेस, जैसा कि मैंने लास्ट अकेलेपन वाले में बताया है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं इस डायरेक्शन में आई वॉज पुश्ड इन स्पिरिचुअलिटी, मुझे धक्का दे दिया गया, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मुझे वन पॉइंटेड फोकस रख के इसको काम करना था इस पर। और एक सेशन था एसएम का, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ये हो, जबकि आप ये नहीं हो, आप कुछ और हो। वहाँ से मेरे अंदर इंटरेस्ट आना चालू हुआ। जब मैंने इनके कुछ सेशंस देखे, 3-4-5 सेशंस जो मोटिवेशनल सेशंस थे, वो देखना चालू किया, तो उन सेशंस को देखने के बाद फाइनली ये सेशन भी मैंने देखना चालू किया विस्तार से। तो 2016 या 15 के एंड में या 16 के मिडिल में, आई थिंक 16 में ही मैंने शुरू किया था, क्योंकि मुझे इतना तो याद है कि मैंने अगस्त मिड में या अगस्त एंड में मेडिटेशन किया था, और मैंने जानबूझ के ये टाइम नोट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आगे कुछ होगा तो टाइम नोट करना ज़रूरी है कि मैंने कब से स्टार्ट किया है मेडिटेशन करना। तो ये था कि साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो और उसको सुन के आपका जो है प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। तो इतना परसेप्शन रख के, ये सोच के, ये मान के बिलीव करके मैंने सुनना चालू कर दिया। मैं डेली 8 बजे से 5 बजे क्लिनिक करता, शाम को क्लिनिक से आता 5 बजे, और उसके बाद 5-5:30 बजे मैं, 5:30 बजे के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करता, फिर मैं अपना अकेले ही रूम में मेडिटेशन करने बैठ जाता। अच्छा, मेरा जो रूममेट था वो नहीं था, तो मैं वहीं पर मेडिटेशन अपना करता। जब मैंने मेडिटेशन करना चालू किया, तो विद इन एक हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चीज़ पसंद नहीं थी उस पर ध्यान टिकने लगा, जैसे कोई बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कब चुप हो, कब मैं भागूँ यहाँ से, तो उसको मैं सुनने लगा। बहुत सारे बोध हुए, कभी कभी ऐसा लगता था कि मन कर रहा है कि पूरा की पूरी कार को उठा दूं, ये सब चीज़ें होती थी, हालांकि कर पाऊँ या ना कर पाऊँ पर वो नहीं था, बट चीज़ें होती गई। तो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस में मैंने ये थोड़ा बताया है। आज मैं आज्ञा चक्र के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपसे। इस चक्र से मेरे अभी तक क्या अनुभव रहे हैं, और जो भी मैंने डेटा गैदर किया है स्टडी करके, पढ़ के, सुन के लोगों को, उनके विचारों को आज मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब अनहद नाद के बारे में पता चला, तो अनहद लगा हुआ था, सर्च किया तो पता चला कि शक्तिमान में वो मैप देखा था हमने। ये मैप था 7 चक्रों का पिक्चर्स, जो अगर आप डालोगे 7 चक्रास तो आपको पिक्चर दिखेगी। जब पहली बार मैंने इस पिक्चर को गूगल पे देखा, तो तुरंत नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, वो था शक्तिमान का। शक्तिमान का नॉस्टैल्जिया, क्योंकि शक्तिमान का एक एपिसोड या 2-3 एपिसोड है, काफी एपिसोड्स में शक्तिमान का चक्रों को खुलते हुए दिखाया गया है, तो उसको वहां से पावर मिलती है, ऐसा दिखाया गया है कि कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। तो जब मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा ये तो शक्तिमान में दिखाया गया था, वाओ, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वेरी नाइस। तो मैंने सारे चक्रों को पढ़ना चालू किया और सुनना चालू किया, फिर देखा 114 चक्र होते हैं, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। एक वीडियो था जिसके बारे में एसएम ने जिक्र किया था, ट्रिप टू कसौली में, ट्रिप टू कसौली का एक सेकंड शायद पार्ट है, जिसमें मिडिल में वो बैठे हुए हैं
और सर ने मैरून कलर की शर्ट पहनी हुई है, और उसमें बात हुई थी इसके बारे में कि एक बंदा होता है पास में उनके, बैठता है, वो कहता है कि सर आप स्थिर प्रज्ञ हो। तो वो कहते हैं क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं सर आप स्थिर प्रज्ञ हो, स्थिर प्रज्ञ। तो उन्होंने बोला हाँ अभी मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने एक मेडिटेशन की जो वीडियो थी उसके बारे में जिक्र किया था, वो थी आई थिंक पावर ऑफ मेडिटेशन या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट थी, स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ मेडिटेशन समथिंग लाइक दैट। उसको अगर आप मांगेंगे तो मैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको भेजूँ। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ट्रिप टू कसौली पार्ट टू के बीच में जब वो खाना खा रहे होते हैं तो सर ने जो जिक्र किया है वो भी जाके सुने उसको भी। तो जब वो जिक्र हुआ वहाँ पे तो मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं, और मैंने उसको सर्च किया। और SM ने ये बोला था कि उस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया है वो सब कुछ होता है। तो मैंने कहा भाई देखते हैं यार, मैं तो एक्साइटमेंट में आ गया और मान ली मैंने देखना चालू किया। तो देखा और वीडियो में जाके बैठे वहाँ पे, देखा वीडियो लगा के और मेरे होश उड़ गए। मुझे एक चीज़ तो उसमें वीडियो में ये समझ में आ गई कि विश्व शक्ति सहस्रार से घुसती है और उसको प्राण बोला गया है। ये प्लैनेट अर्थ में ही मौजूद है। दूसरे प्लैनेट्स में बैठ के आप मेडिटेशन करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे प्राण उस प्रपोर्शन में हो या हो ही ना। इसीलिए अगर कोई दूसरा सोलर सिस्टम है या दूसरी गैलेक्सी है, वहाँ का जो पानी है अगर आप पियोगे तो साइंटिफिकली हो सकता है सब कुछ सही लग रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली वो पानी काम नहीं करेगा, क्योंकि धरती का जो पानी है, जो इस प्लैनेट का जो पानी है वो ही, उसी से हम बने हैं। तो हम दूसरे प्लैनेट का पानी जो कंपोज किया हुआ है उसको अगर हम पियेंगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इट विल, बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो ये जो सपने देखे जा रहे हैं कि हम प्लैनेट छोड़ के इस प्लैनेट को तबाह हो जाएगा तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, ये टोटली होक से मेरे से लिखवा के रख लो, इट्स नॉट पॉसिबल। जिस मिशन पे ये जा रहे हैं इलॉन मस्क, वो मिशन फेल्ड है। ये मेरे डंके की चोट पे मैं बात आपको बोल दे रहा हूँ, ये बात सच रहेगी, क्योंकि प्राण जो है, जो एनर्जी सिस्टम है इस प्लैनेट का, वो कहीं और पानी पियोगे आप तो उसमें नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज एनी हाउ आप जब प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप पानी लेने तो आ नहीं सकते यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे राइट? तो वहाँ का पानी आप बना के पियोगे, शरीर तुम्हारा धरती जल अग्नि वायु आकाश तुम्हारा इस प्लैनेट का है, और इस धरती जला धरती को उठा के तुम लेके जा रहे हो वहां पे, और उस दूसरी धरती का आप पानी पियोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट उस धरती से उगा हुआ आलू या प्याज वो भी काम नहीं करेगा। हो सकता है वहां के जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काम करे, पर आपके लिए काम नहीं करेगा। इस सोलर सिस्टम में जो सौरमंडल है हमारा, अगर यहां पे कोई पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाता है तो उसमें भी सिर्फ 50% संभावनाएं हैं कि आप वहां पे आलू उगाएंगे तो आप वहां खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ये 50% संभावना है, 50% ये है कि आप मर जाएंगे, और ये 50% संभावना सिर्फ इस सौरमंडल की है। अगर दूसरे सौर मंडल में जाएंगे, दूसरे जो सूर्य मंडल है उसमें अगर आप जाएंगे तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, नॉट हाई, दिस इज अ फिक्स थिंग विच आई एम सेइंग, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव विद ऑल द मशीन्स विद ऑल द टेक्नोलॉजी ओवर देयर, ट्रस्ट मी। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक विच इज थर्ड आई और आज्ञा चक्र, ये होता क्या है बेसिकली? ये कोई ऐसी आई नहीं है कि
खुल जाएगी और एकदम से वहाँ से कुछ निकलेगा लेज़र और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थर्ड आई का मतलब होता है 6 छेद हैं, 7 छेद हैं बेसिकली। ये 7 छेद, ये छेद बेसिकली आपको फील होंगे जब आप रेगुलर आप मेडिटेशन करोगे, इसके 1-2-3-4 साल बाद आपको ये फील होने लगेंगे। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा भी माना जाता है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं अभी इस जन्म की आपकी, वो नेक्स्ट बॉडी में या नेक्स्ट जन्म में बेसिकली वो वहीं से आप पकड़ते हो उसको। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि जो नेक्स्ट बॉडी मिलने वाली है आपको, या उसमें जो कर्मा है वो बेसिकली इसी कर्मा को कंटिन्यू करता है आगे, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बात करी है। जैसे अगर आपको अभी गायन अच्छा लगता है तो आगे भी गायन अच्छा लगेगा और आप पकड़ने लगोगे चीज़ें। वैसे ही स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक अभ्यास है, जितना हो रखा होता है उस हिसाब से अगले में आप ध्यान करते हो तो उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें होती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि वॉट इज दिस आज्ञा चक्र एंड वाई आई एम सो क्यूरियस टू टॉक अबाउट दिस। सी, हमारे जो हमारा ये है कल्चर है, इसमें तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना होता था जहां पे शिष्य को महसूस हो रहा है कि यहां पे सेंसेशन हो रही है, तो वो ऊपर की तरफ तिलक लगाता था। जब सेंसेशन नीचे शिफ्ट होने लगती थी तो तिलक नीचे आ जाता था, बाकी सारे शिष्यों को और गुरु को पता रहता था कि ये तिलक नीचे खिसक रहा है इसका, तो इसका नीचे पीनियल ग्लैंड नीचे आ रहा है, तो इसका जो ग्रोथ है वो हो रही है, जिसको थर्ड आई, तीसरी नेत्र का खुलना बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसमें पॉइंट ये है कि जो बिंदु है वो नीचे सरकता है। जब बिंदु सरकता है नीचे, तो दोनों भवों के बीच में जब सेंसेशन होने लगती है, तो आप समझ लीजिए कि ये बेसिकली नीचे आ गया है। अब आपको इसको सुन के करना नहीं है सब, इसको मैं क्यों बता रहा हूं पहले इसको समझने की कोशिश करिए। जब मेरे साथ ये अनुभव हुए तो मैंने इसको कैसे फील किया है उस पे आते हैं। अभी तक जो कुछ भी था ये कहीं और से पढ़ रखा था, वो बता रहा था। तो दोनों इसको मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये चीज हुई मेरे साथ तो मैं बता रहा हूं। जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन करना चालू किया तो मुझे थर्ड आई मेडिटेशन इस पे पता चला, तो मैंने जो ध्यान था अपना वो दोनों भवों के बीच में जो सेंसेशन हल्की हल्की ट्रिगर होती थी वहां पे लगाना चालू कर दिया। जब मैंने वहां लगाना चालू किया तो मुझे फील हुआ कि जो बाहर की एनर्जी है उसको मैं अंदर सक कर सकता हूं, और अंदर का है जो उसको बाहर फेंक सकता हूं। तो मैंने कहा ये क्या है मतलब यहाँ। तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता वहम हो कोई, लेकिन फिर मैं रोज करता गया, मैंने कहा नहीं यार। फिर मुझे लगा वहम है, फिर बैठा, फिर देखा, फिर मुझे लगा नहीं वहम होगा, फिर बैठा, बार बार चेक किया, मैंने कहा ये तो कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ छेद टाइप का है जिससे मैं एनर्जी को अंदर और अंदर की एनर्जी को बाहर फेंक सकता हूँ। तो ऐसे करता गया, एक दिन मैंने देखा कि जो मेरा माथा है वो पिचक गया अंदर की तरफ, और आज भी पिचका हुआ है, और ऊपर जो सहस्रार जहाँ पॉइंट होता है वो भी अंदर पिचक गया, और जो जहाँ पे चाणक्य लोग पीछे चोटी लगाते थे वो भी अंदर पिचक गया, वो अभी पिचका है पीछे की तरफ जो है। तो डिप्रेशन पड़ गया 3। तो मैंने कहा नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू आ गया। तो मैंने फिर वापस अनंतनाद में मैं चला गया था। तो इसमें बेसिकली एनर्जी एंटर करती है, बाहर की एनर्जी आप अंदर अब्जॉर्ब करते जाते हो। किसी भी चक्र से आप एनर्जी डाल रहे हो, चाहे ऊपर का चक्र है, नीचे का चक्र, कोई भी एनर्जी से आप कहीं से भी अंदर डाल रहे हो एनर्जी, वही सेम एनर्जी अंदर आ रही है। अंदर जो बॉटल है वो भर रही है, जब बॉटल भरेगी तो टिप तक पहुंचेगी, ऊपर कैप तक, और कैप बंद है, यानी जो खोपड़ा है आपका वो तो बंद है,
तो क्या होगा, वो फट के बाहर निकलेगी। इसको कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना, ये समझना ज़रूरी है। अगर आप लॉ ऑफ बेल कर्व को देखोगे तो आप शुरू करोगे और एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग पे आप पहुँचोगे, और उसके बाद डाउन होता है। एक पहाड़ को इमेजिन करो, पहाड़ के नीचे से चालू करो और पहाड़ की जो चोटी है वहाँ तक देखो, फिर उसके बाद नीचे उतरो, तो ऐसे ट्रायंगल आप देखोगे एक बनेगा। तो ट्रायंगल का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है उसको पीक बोलो, पहला जो नीचे वाला है उसको बर्थ बोलो, और जो राइट वाला है उसको डेथ बोलो। तो हुआ क्या कि जब चढ़ान चालू होती है, मतलब आप एनर्जी एब्जॉर्ब करना चालू करते हो और करते हो और करते हो, तो जैसे ही आपको टिप तक पहुंचना है उससे पहले ही आपको मेडिटेशन को कम कर देना है, क्योंकि अगर उसके बाद आपने मेडिटेशन ज़्यादा किया तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी अगर बढ़ेगी तो टिप तक पहुंचने के बाद आपका जो ध्यान है वो इसमें आने लगेगा, अर्जेस होने लगेंगी शरीर को छोड़ने की। शरीर को छोड़ने की अर्जेस होती है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है अंदर से आपको दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होना चालू हो जाएगा। अभी जो पांच इंद्रियों से ज्ञान अंदर आ रहा है वो ही तुम नहीं ले पा रहे हो, उसमें ही तुम पगलाए हुए हो। छठी इंद्री से अगर ज्ञान अंदर एंटर करता है, जो कि कोई भी ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान ये हो सकता है कि यहाँ पे जो कुछ भी इस कमरे में मौजूद है वो सब कुछ मुझे फील होने लगेगा, तो वो कुछ भी ज्ञान हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान हो सकता है। तो वो ज्ञान जब तुम पांच ज्ञान ही नहीं कर पा रहे हो तो छठा ज्ञान तुम क्या करोगे, छठी इंद्री से जो ज्ञान होगा, तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आने लगता है। उसके बाद सिद्धियाँ हैं, जैसे कि खाना ना खाना, दो दो तीन तीन साल, चार चार साल, शरीर की एज बढ़ा लेना, पानी पे चलना, आँख पे चलना, मुर्दे को जिंदा कर देना, ये सब तंत्र में आता है। इस एनर्जी का जब यूज़ आप निचले कामों के लिए करते हो तो उसको बोलते हैं तंत्र। तंत्र में क्या होता है, बेसिकली यूजली जो लोग मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी अंदर डालते हैं उसको हम सात्विक साधना बोलते हैं। तामसिक साधना जो होती है उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली साधना करते हैं और उस एनर्जी को फिर हम गलत नकारात्मक तरीके से यूज़ करते हैं। फिर तो उसमें हम क्या करते हैं, टैबूज एंड ऑल दैट, ये टोटकेज एंड किसी का बाल ले लिया, उसका एनर्जी सिग्नेचर ले लिया, फिर उसको मैनिपुलेट किया, डोमिनेट करने की कोशिश करी, फिर इसी एनर्जी को अघोरी बाबा जो लोग होते हैं वो लाश के ऊपर शव साधना करके इस एनर्जी को अंदर भरते हैं। तो अलग अलग तरीके से इस एनर्जी को अंदर भरा जाता है। तो इस एनर्जी को जो यूनिवर्सल एनर्जी, इसको प्राण बोलते हैं, वो जब चक्रों के ऊपर के चक्रों से एंटर करती है तो वो एनर्जी अच्छी होती है, वो आपको फील गुड सेंसेशन आती है। लेकिन वही फील गुड सेंसेशन और लेने लगो, और जैसे कि आप नशा कर रहे हो, और नशा और नशा और नशा आप मज़े के लिए कर लो, लेकिन फिर क्या होगा कि ज़्यादा आप करने लगोगे तो उल्टी कर दोगे। वैसे ही ज़्यादा आप लेने लगोगे तो पलटी होने लगती है, उल्टी होने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली शरीर के अंदर पानी भरता जा रहा, एकदम फट फट गया। तो उसको महासमाधि बोलते हैं, उस पॉइंट को। इसीलिए विवेकानंद और बड़े बड़े जितने भी लोग थे ये सब 36-32 की उम्र में ही चले जाते थे, इनका शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो आपको साधना इतनी करनी है कि शरीर संभाल सके। शरीर अगर नहीं संभाला तो शरीर फिर अर्ज पैदा करेगा छोड़ने का, क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने भरी, भरते गए, तो होगा क्या कि वो एनर्जी बेसिकली अंदर से अर्जेस आते हैं शरीर को छोड़ने के, जैसे कि ऑर्गेजम के अर्ज होता है वैसे ही इसका भी अर्ज होता है। अब लेकिन ये ऊपर की तरफ से अर्ज होता है, तो शरीर को छोड़ने का अर्ज आता है। तो अब सवाल आता है, छोड़ क्यों नहीं देते, ये भी सवाल आता है। छोड़ दो, सब कुछ तो बेकार है ही है, तो छोड़ो ना, क्या टेंशन है, अपना अपना है सबका। मेरे हिसाब से आपको यंग एज में इतनी एनर्जी बढ़ा के ना आपने कोई काम किया इस दुनिया के लिए, ठीक है, आपके बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ है, बाप है, उनको क्यों कष्ट देना है ये सब करके। पर दूसरी तरफ से कोई सब पॉइंटलेस भी है, तो बैठो ना, महासमाधि पा लो। पर देखो कुछ लोग करते हैं, उनका अपना तर्क है, क्योंकि वो लूप में नहीं फंसना चाहते बार बार। और मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा या करूँगा, क्योंकि मेरा कब दिमाग सटक गया, कब मैं इसमें चला गया ज़्यादा, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू गो इनटू दिस बिकॉज, बट आई नो कि मैं उस
मैं उस पॉइंट तक टच होके आ गया हूँ। वो पॉइंट ऐसा था कि उसके आगे भी काफ़ी जर्नी थी, ऐसा नहीं था कि वो पॉइंट महासमाधि का पॉइंट था, लेकिन वो पहला जो चरण था उस पर मैं टच होके आ गया, पहला चरण स्टेप वन पे। वो स्टेप वन ये था कि मुझे चीज़ें समझनी थी, तो मैं करता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया। एक दिन समझ में आया कि अगर भरते जाओगे तो प्राण जो है वो अपने आप गाइड करने लगता है कि आगे ये करना है, आगे ये करना, आगे ये करना, आगे ये करना, अपने आप गाइड करता रहता है। इसको निर्विकल्प समाधि तक पहुँचाना होता है। तो होता क्या है कि आपको टक 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 वो गाइड करेगा। अब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस या मतलब कोई जादुई बात नहीं है। एक कुत्ता है, उसने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, उसको रिप्रोडक्शन नहीं पता, उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पता, लेकिन उसको कैसे पता है कि एक कुतिया के ऊपर चढ़ के बच्चे पैदा करने हैं? हमें तो बताया गया है, उसको कैसे पता? ये मेरे अंदर बड़ा सवाल आता था बचपन में। ये मुझे बड़ा सवाल आता था कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस गाइज आर डूइंग दिस रिप्रोडक्शन थिंग? हाउ इज इट पॉसिबल? वाई हाउ दिस पपी विच इज सो क्यूट, ही डजंट नो ओनली हाउ द हेल इट इज पॉसिबल, हाउ डू दे नो इट? इनफैक्ट अगर आप दो कुत्तों को अंदर रखोगे कमरे के, बाहर के कुत्तों को देख के वो नहीं सीखे हैं, आप अंदर रखोगे तो भी हो जाएगा। तब मुझे समझ में आया कि एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हर जगह है, जो प्रोग्राम है। इसीलिए मैं प्रोग्राम बोलता हूँ, ये प्रोग्राम वर्ड बड़ा सही है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम होता है सारा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कोई प्रोग्राम कर रहा है इस पूरे के पूरे जगत को, किसी ने प्रोग्राम कर रखा है, वो ऊपर से बैठ के देख रहा है प्रोग्राम को, प्रोग्राम में इंटरफेरेंस नहीं दे रहा है। बट इसका कोई तर्क नहीं है अभी, और इसका कोई एग्जिस्टेंस वो भी नहीं है कि इट्स लाइक यूनिवर्स फील्स लाइक अ साइमुलेशन समटाइम्स। एक्चुअली इफ़ यू सी इट इज, इट कैन बी अ साइमुलेशन, बिकॉज प्रोग्राम जो है वो हर जगह है। जैसे लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ बेल कर्व, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ बैलेंस, लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, लॉ ऑफ सर्कुलैरिटी, सो ये सारे लॉ ऑफ डुअलिटी है ना, अलग अलग लॉज हैं। तो अगर आप देखो तो ऐसा आपको पूरा कोई स्ट्रक्चर समझ में आएगा, तो आप देखोगे अलग अलग प्रोग्राम हैं और चल रहे हैं। तो बट इसको मैं इसलिए क्रॉस करता हूँ इस हाइपोथेसिस को कि यूनिवर्स साइमुलेशन है, वो ये है क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है, किसी ने मेंशन नहीं किया इसका, नहीं तो मेंशन ज़रूर होता पुराने ज़माने में। तो बट क्या पता हो भी सकता है, 1% चांस भी है, बट नो आइडिया, आई एम नो आइडिया। लाइक वी शुड डिस्कार्ड दिस राइट नाउ, बिकॉज इट्स नॉट मैंशनड एनी वेयर, इट्स लाइक एक साइंस फिक्शन की तरह हो जाएगा ये। तो ये एनर्जी एंटर करती है इस चक्र से, आप खींच सकते हैं उसको अंदर, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब आज्ञा चक्र और विकसित होता है आपका, तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होने लगते हैं, आपकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक कहानी है, ये एक मैथमेटिशियन थे रामानुजन, वो बस अपने तीसरी नेत्र पर गौर करते थे और सारे फॉर्मूलास लिख देते थे। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लेजेंड हुए हैं। तो इस एनर्जी को एंट्री लेने के साथ साथ कभी कभी मैं बहुत ख़राब फील करता हूँ, तो आई जस्ट सिट डाउन एंड डू दिस साधना एंड आई फील रियली नाइस। बट कहाँ रुकना है वो मुझे पता है, मुझे पता है कि यहाँ इसके आगे अगर मैं गया तो फिर अर्जेस उठेंगे और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मुझे फालतू की कोई सिद्धियां चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वाई शुड आई डू दैट, बिकॉज जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान दो ना, कॉन्शियसनेस पे ध्यान दो, तो इसको करने की क्या ज़रूरत है। तो लोग करते हैं, लोगों ने इसको करके बहुत कुछ कर रखा है। इस चक्र की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अपार है, इसकी कोई हद नहीं है। बेसिकली इट इज़ जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यू कैन से इंटेलेक्ट का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो इस चक्र से निकाली जा सकती है। और ऐसे ऐसी चीज़ें जैसे कुछ जो 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 समाधान, जो सोल्यूशन एक साधारण आदमी नहीं निकाल सकता, वो ये आदमी निकाल लेगा।
बड़े बड़े चीज़ों का, और इसी को यूज़ करके ही ये जो बड़े बड़े डिस्कवरीज हुए हैं ये हुए हैं। आइंस्टाइन ने भी कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके बुद्धि से और इसी से एनर्जी एंटर करती है, इसी से एनर्जी एंटर करती है और जितने भी छेद हैं यानी बाकी के जो छेद हैं जैसे सहस्रार है या अनंतनाद है वहाँ से भी एंटर करती है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो एनर्जी वो एंटर करती है वो सर के ऊपर से एंटर करती है, विश्व शक्ति बोलते हैं इसको, प्राण। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप जान नहीं रहे होते हो बट एनर्जी एंटर कर रही होती है। ये एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुंडलिनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो सकते हैं, महासमाधि के लिए अर्जेस हो सकते हैं, है ना, एकदम से कुंडलिनी अवेक हो गई और ठक बाहर। तो ऐसे में ये रिस्की भी होता है काफी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो एंड थैंक यू, टेक केयर एंड डोंट इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स, बट दिस वॉज द टोटल एक्सपीरियंस ऑफ माइन एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ और बता नहीं सकता और इनफैक्ट हुआ भी नहीं है कि और क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें आयरन मैन या स्पाइडरमैन की शक्ति नहीं मिल रही है तो तुम इसमें आए हुए हो तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। यू नो, इससे अच्छा है कि आप वही नाटक जो तुम बाहर कर रहे थे अंदर करने लगे। शक्तियों के पीछे मत भागो, जो ऑलरेडी शक्ति मिली हुई है तुम्हें अगर उसकी तरफ देखोगे तो वो किसी शक्ति से कम नहीं है, वो महाशक्ति है जो तुम्हें ऑलरेडी जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे विचार, शरीर, द थिंग्स यू कैन डू विद द माइंड, इट्स नेक्स्ट लेवल। थैंक यू, टेक केयर।